Hello students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. In our last video, we have started a new chapter that is heating effect of electric current and we have already discussed about electric current, then uh, electric circuit, types of electric circuit, circuit diagram and symbols of electric components that we use to draw a circuit diagram. so in the second part of this chapter we are going to read about resistance heating effect of current applications of heating effect of current disadvantages of heating effect of current fuse and MCV. so let's start with resistance in our last video we have uh, discussed about the resistor and i told you that we will discuss uh, about the resistance in next video so here we are with electrical रेजिस्टेंस सो वॉट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ पीस ऑफ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ द हिंड्रेंस इट क्रिएट्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसका मतलब यह है कि हिंड्रेंस जो है यानी कि जो बाधा या फिर जिसको हम कहते हैं कि रुकावट पैदा करना किसी के फ्लो में तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिकल करंट जब फ्लो होता है तो उसके बीच में जो बाधाएँ आती हैं रुकावट आती है या फिर जो रजिस्टेंस या फिर हिंड्रेंस आता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट uh, का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है या फिर कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ कंडक्टर वैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज एंड ऑल द मटेरियल्स इम्पिड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू सम एक्सटेंट अब जो सारे मटेरियल्स होते हैं मैटर होता है जिसको हम कहते हैं तो सारे जो मटेरियल्स होते हैं हमने देखा है कि वो कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं है ना कुछ कंडक्टर्स होते हैं कुछ इंसुलेटर्स होते हैं तो जो uh, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ऐसे मटेरियल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसका नाम है हिंड्रेंस मतलब वो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को रोकते हैं और उसको स्लो कर देते हैं तो ऐसा क्यों होता है एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कार मूव्स विथ ग्रेटर इज़ ऑन अ स्मूथ रोड अगर स्मूथ रोड है तो कार जो है वो इजीली मूव करती है देन अ बम्पी रोड अगर स्पीड ब्रेकर से ज़्यादा बम्प्स हैं तो कार के जो स्पीड uh, होता है वो कम हो जाता है सो द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज़ स्लो ऑन अ बम्पी रोड तो ट्रैफिक जो होता है बम्पी रोड पे, वहाँ पर स्लो हो जाता है हम आमतौर पर इसको ऑब्जर्व करते हैं फॉर करंट डिफरेंट मटेरियल्स एक्ट एज डिफरेंट काइंड ऑफ रोड्स और पाथ्स तो जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके लिए ये जो करंट है वो अलग अलग स्पीड में फ्लो होता है तो वो एक तरह से रोड का, का काम करता है या फिर पाथ का, का काम करता है सम हिंडर द फ्लो फ्लो ऑफ करंट वाइल द अदर्स अलाउ इट टू फ्लो मोर इजीली कुछ जो है वो कुछ मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हिंडर करते हैं मीन्स बाधा पैदा करते हैं और कुछ जो है वो उसको ईजीली फ्लो होने देते हैं करंट फ्लो थ्रू कॉपर मोर इजिली देन द कार्बन अब हमें बताइए कि जो कॉपर होता है मेटल उसमें से करंट जो है वो ईजिली फ्लो होता है और अगर हम कार्बन का देखेंगे तो कार्बन जो है उसमें से करंट फ्लो कम होता है बिकॉज कार्बन ऑफर्स ग्रेटर हिंड्रेंस और रेजिस्टेंस टू फ्लो द करंट और इसका ये रीजन ये है कि कार्बन जो है वो ज़्यादा हिंड्रेंस या फिर रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है टू द फ्लो ऑफ करंट और इसलिए कार्बन में से करंट ऑफ फ्लो जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द कॉपर सो वॉट इज रजिस्टेंस रजिस्टेंस एक तरह की रुकावट होती है इलेक्ट्रिक uh, करंट के फ्लो में द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रजिस्टेंस इज ओम्स ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ओम जो है वो इसका यूनिट है और इसका सिंबल जो है वो ग्रीक लेटर ओमेगा ये जो लेटर है इसको हम पढ़ते हैं एज ओमेगा ये एक ग्रीक लेटर है रेजिस्टेंस इज मेजर्ड विद द मल्टीमीटर और टेस्ट मीटर एक टेस्ट मीटर होता है जैसे हमने एमीटर मीटर वोल्ट मीटर गैलवन मीटर देखा था वैसे ही टेस्ट मीटर जो है वो रेजिस्टेंस को मेजर करता है या फिर हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीमीटर मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हम अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स यूज मे, मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस ये तीनों के फंक्शंस हमें इसमें मिल जाते हैं मल्टीमीटर में इसलिए उसको कहते हैं मल्टीमीटर और अगर आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए आप ओह मीटर या, या यूज कर सकते हैं या फिर टेस्ट मीटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो मल्टीमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इट फंक्शंस ऑफ एमीटर, एंड तो ये तीनों के जो काम है इसमें हो जाते हैं नाउ हियर यू कैन सी द रजिस्टर रजिस्टर जो लगा है लेफ्ट वाला जो, जो, जो सर्किट है उसमें एक बैटरी है रजिस्टर है और एक बल्ब है एलईडी बल्ब और राइट वाला जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम और सर्किट जिसको हम देख रहे हैं तो उसमें रजिस्टर नहीं लगा हुआ है तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है या सर्किट है उसमें आप देखो रजिस्टर जिसमें कनेक्ट है उसमें करंट का फ्लो जो है वो कंट्रोल uh, किया जा रहा है बिकॉज ऑफ रजिस्टर और जो सेकेंड डायग्राम है सर्किट डायग्राम या फिर सर्किट जो है उसमें रजिस्टर नहीं है इसलिए ज़्यादा करंट जब फ्लो हो रहा है तो बल्ब जो है वो फ्यूज़ होता है वो काम करना बंद कर देता है या फिर डैमेज हो जाता है तो इस तरह से रजिस्टर्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट ओके सो हियर इज द पिक्चर ऑफ मल्टीमीटर अल्टीमीटर टू मेजर मटेरियल वी हैव फैक्टर्स on which this resistance of a conductor depends on. so let's see what are these factors. so first is types of materials. materials like metals have very low resistance, so they allow many electrons to flow freely and used as conductors. तो so, ऐसे materials जैसे कि metals होते हैं, तो उनमें बहुत कम resistance होता है, दे या very low resistance और इसीलिए उनमें जो है electrons जो है वो free flow कर सकते हैं और उनको हम use करते हैं as conductors. और इनके examples है copper, silver, gold, aluminium and steel. इसी तरह से दूसरे जो मटेरियल्स है लाइक हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन सल्फरिक एसिड सी वाटर दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल्स लाइक वुड प्लास्टिक ग्लास ड्राई पेपर रबर ड्राई वुड डायमंड्स, ऑयल दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वी यूज देम एज इंसुलेटर्स दैन देर आर सम मटेरियल देट आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स वट आर सेमी कंडक्टर्स दिज आर द मटेरियल दैट हव बोथ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर दे अलाउ इलेक्ट्रॉस टू मूव वाई बिंग एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं सेमी कंडक्टर्स जो करंट को फ्लो uh, होने देते हैं मतलब दे अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली अल्सो बट दे कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इनके एग्जाम्पल्स है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और इस बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो कार्बन सिलीकॉन एंड जर्मेनियम दिज आर दम एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स देन सेकेंड इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर लेंथ जो होती है कंडक्टर की यानी कि अगर हम एक वायर यूज़ करते हैं एज अ कंडक्टर तो जितनी जितनी लंबी जो वायर होगी लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा दैट मीन्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द मटेरियल यूज जो भी कंडक्टर हम यूज कर सक करते हैं जैसे कि वायर होती है कोई तो वो जितनी लंबी होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और शॉर्ट वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा नेक्स्ट इज थिकस ऑफ द मटेरियल हायर रजिस्टेंस अगर होगी तो उसमें रजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा थिक वायर में रजिस्टेंस कम होता है यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो तीनों जो इसके फैक्टर्स है एक तो साइज होती है साइज में आता है कि लेंथ अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा थिकनेस कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और थिकनेस अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा इसी तरह से मटेरियल जैसे कि कॉपर या फिर दूसरी जो मेटल्स है उसमें जो है रेजिस्टेंस uh, कम प्रोड्यूस होता है और एल्यूमिनियम जैसे जो दूसरे सब्सटेंसेस uh, है उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है देन टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होता है ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कम टेम्परेचर है तो कम रेजिस्टेंस होगा तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है किसी मटेरियल का वो डिपेंड होता है अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में जो मैग्नीट्यूड uh, मतलब जो अमाउंट ऑफ करंट जो प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड होता है रेजिस्टेंस के ऊपर अब ये कैसे होता है द लोअर द रेजिस्टेंस द ग्रेटर इज द करंट जितना कम इसमें रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर में उतना ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो होगा क्योंकि उतनी रुकावट उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने में कम आएंगी तो यहाँ एक आप सर्किट देख सकते हो दिस इज द बैटरी दिस इज द पेंसिल जिसके अंदर की जो लीड हम यूज़ करते हैं इट इज़ मेड ऑफ कार्बन तो इसमें कार्बन होता है और एक लाइट है यहाँ पर छोटा सा तो हमने क्या किया है यहाँ पर इस बैटरी को लाइट और पेंसिल से कनेक्ट करके उसको एक सर्किट के फॉर्म में हमने बना दिया अब अगर हम इस अभी आप देख रहे हो कि इसकी जो लाइट है वो थोड़ी डीम है ऐसा इसलिए है कि कार्बन जो होता है उसमें हिंड्रेंस जो है वो यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है है ना इसलिए करंट का फ्लो जो है वो कम आ रहा है और ये डीम लाइट है इस कार्बन की जगह यहाँ पर अगर हम एक ये वायर अगर हम डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट करते हैं लाइट के पास यहाँ तो क्या होगा कि ये जो वायर है इट इज़ मेड ऑफ कॉपर तो ये कार्बन निकालने के बाद जो कॉपर की वायर यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट होगी उससे क्या होगा कि करंट का फ्लो ज़्यादा होगा क्योंकि हमें पता है कि जो कॉपर होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है न? और इसीलिए हम तो हम कंडक्टर उसको यूज़ करते करते हैं हैं तो तो अगर कॉपर वायर पर कनेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कंडक्टर The conductor becomes hot after some time and produce heat. This happens due to the conversion of some of electrical energy passing through the conductor into the heat energy. And this effect of electric current is called heating effect of current. हमने बहुत सारे appliances को भी देखा है, जैसे कि hair dryer होता है, या फिर दूसरी जो हम चीजें use करते हैं घर में, या फिर simple एक bulb होता है, तो bulb भी गर्म हो जाता है थोड़ी देर चलने के बाद, hair dryer गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है इट बिकम्स हॉट सिंपल वायर भी होगी तो भी वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है बिकॉज इट प्रोड्यूस हीट अब ये जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में इसको हम कहते हैं इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स प्रेस्कॉट जूल इन्होंने इसको डिस्कवर किया था एंड हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जूल्स हिटिंग इफेक्ट हियर यू कैन सी हाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू कंडक्टर एंड यू कैन सी द वायर इट बिकम्स हॉट वेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट सो दिस इज नोन एज हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हीट दैट इज प्रोड्यूस बाय द सब्सटेंसेस और जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर्स के अंदर वो किसके ऊपर डिपेंड होती है तो इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस फर्स्ट जो है वो है रेजिस्टेंस सो so इसके लिए एक हम ये ट्राई कर सकते हैं एक्टिविटी वेन अ बल्ब इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी आफ्टर सम टाइम्स यू विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब इज़ मच वार्मर दैन द वायर्स है ना जब भी हम कोई बल्ब यूज करते हैं अगर आप टेबल लैंप यूज़ कर रहे हो घर में पढ़ने के लिए तो आप थोड़ी देर बाद उस टेबल लैम्प के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है उसको आप टच करके देखोगे तो आपको वो थोड़ा गर्म लगेगा लेकिन जिसमें से ये करंट फ्लो हो रहा है वो वायर जो है वो गर्म नहीं होती है ना तो ऐसा क्यों होता है वायर टर्स द बल्ब बिकम वार्मर दैन द वायर्स वेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैम अब जो इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में से फ्लो हो रहा है उतना ही सेम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बल्ब के पास भी पहुंच रहा है बट बल्ब ज़्यादा गर्म क्यों हो रहा है और वायर क्यों नहीं हो रही है तो इसका आंसर है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट जो हीट प्रोड्यूस करता है वो डिपेंड होता है रेजिस्टेंस द हायर द रेजिस्टेंस द ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट अब बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन से टंगस्टन जो कि एक मेटल है इससे वो बना होता है और ये जो टंगस्टन है इट हैज मोर रेजिस्टेंस दैन कॉपर है ना जो कि हम वायर में यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज हायर देन द वायर्स वायर्स के अंदर रेजिस्टेंस कम है और बल्ब के अंदर जो फिलाेंट है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए बल्ब जो है वो ज्यादा गर्म होता है ओके एंड दैट इज वाई इट बिकम्स हॉट तो हम क्या कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस एंड हायर द रेजिस्टेंस ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है अब यहाँ आप देख सकते ये एक फिलामेंट है जो कि बल्ब के अंदर होता है तो ये फिल्मेंट जो है ये बना होता है टंगस्टन जो कि एक मेटल है उससे यह बना होता है जिसमें जो है रेजिस्टेंस ज्यादा होता है दिट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन करंट हाउ लेट्स रेजिस्टेंस द ग्रेटर द करंट द ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस अगर करंट ज्यादा है तो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो भी ज़्यादा होगी कैसे लेट्स सी वन एग्जाम्पल वन वी कनेक्ट द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल विथ अ वायर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इट बिकम्स वेरी हॉट ड्यू टू लो रेजिस्टेंस विच अलाउज़ अ लार्ज करंट टू फ्लो अब अगर हम एक बैटरी में सपोज दिस इज बैटरी और इसमें हम एक वायर कनेक्ट करते हैं तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये जो वायर है ये वायर जो है वो गर्म हो जाती है ओके okay. बट इसी सर्किट में अगर हम एक बल्ब जोड़ते हैं कनेक्ट करते हैं नाउ वेन अ बल्ब इज़ कनेक्टेड टू द सेल द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब अब यही जो एक ये बैटरी है इसमें हमने ये वायर लगाया है कनेक्ट किया है और यहाँ अगर हम एक बल्ब लगाते हैं सपोज ये बल्ब है तो इस बल्ब के अंदर जो ये फिलामेंट है ये क्या है फिलामेंट तो ये जो फिलामेंट है ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है और इसीलिए जब ये बल्ब कनेक्ट होता है इस सर्किट के अंदर तो वायर जो है वो कम गर्म होती है और बल्ब जो है वो गर्म होने लगता है ऐसा क्यों होता है हाई रेजिस्टेंस मीन स्मॉलर करंट थ्रू द सर्किट सो द हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज लेस एंड वायर्स डो नॉट बिकम वाम अब इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है करंट का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है और इसलिए वायर में से करंट फ्लो कम होगा तो वो कम गर्म होंगी तो हमने देखा अभी कि जो हीट प्रोड्यूस होती है इट डिपेंड्स ऑन द करंट Here you can see one another circuit is there, battery, these wires are there, switch is there and a coil is there. So this coil becomes hot when we connect it with the battery. Okay, इस battery में जब हम इस coil को लगाते हैं, तो ये गर्म हो जाती। लेकिन इसी circuit में जब हमें एक bulb लगाते हैं, तो क्या होता है कि wire जो है, वो कम गर्म होगी, because of the resistance produced by this bulb.

हॉट प्लेट्स आयरन्स गीजर्स इलेक्ट्रिक केटल्स रूम हीटर्स हेयर ड्रायर्स टोस्टर्स फिल्मेंट बल्ब ये ऐसे कुछ अप्लायसेस हैं जो हम डेली यूज करते हैं ऑल दिस कंटेन अ कॉइल विच इज नोन एज एलिमेंट अब इन सब अप्लायंसेस uh, में एक कॉइल uh, होती है जिसको हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं एंड दिस हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल नोन एज निक्रोम निक्रोम एक एलॉय होता है जो कि आयरन निकल क्रोमियम और मैंगनीज से बनता है सो दिस निक्रोम एलिमेंट इज यूज एज हीटिंग एलिमेंट इन दिस अप्लाइंसिस निक्रोम ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस निक्रोम जो है वो हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है वैन करंट फ्लो थ्रू इट एंड हैं इट गेट्स हीटेड अप और इसलिए वो गर्म होता है और हाई टेम्परेचर पर और जब हम उसके थ्रू करंट पास करते हैं तो इट प्रोड्यूसिस लॉट्स ऑफ हीट दैट्स इट इज़ यूज इन हीट now these are the some appliances using heating effect of current electric heater hair dryer immersion heater toaster iron kettle stove and water heater these are some examples here again you can see room heater bulb iron and water heater then in lighting uh, appliances also we use this heating effect of electric current how we use we use it in फिलामेंट लैम्प अ फिलामेंट लैम्प जो कि बल्ब हमारे घर में होते हैं इट इज मेड ऑफ टन वायर एनक्लोज इन अ ग्लास बल्ब ग्लास के अंदर ग्लास बल्ब के अंदर टंगस्टन का एक वायर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं From विच एयर हैज बिन रिमूव इस एयर ग्लास uh, के बल्ब के अंदर एयर नहीं होती है एंड दिस वहाँ से एयर को रिमूव किया जाता है क्योंकि दिस इज बिकॉज एयर वुड ऑक्सीडाइज द फिलाेंट अगर उसमें एयर होगी तो वो फिलाेंट को ऑक्सीडाइज कर देगी ओके okay. द फिलामेंट इज हीटेड अप टू अ हाई टेम्परेचर एंड बिकम्स हॉट फिलाेंट जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म होता है और लाइट को एमिट करता है टंगस्टन इज़ यूज ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन जो है वो हम यूज करते हैं उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से जो कि है 3422 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है सो द बल्ब इज फिल्ड विथ एन इनएक्टिव गैस दैट इज ऑर्गन और नाइट्रोजन ये जो इनएक्टिव गैस है अर्गॉन आर, और फिर नाइट्रोजन को हम इसमें फिल करते हैं एट लो प्रेशर विच रिड्यूस द इवापोरेशन ऑफ वायर उसके अंदर जो वायर होती है कॉइल होती है उसका इवापोरेशन नहीं हो इसलिए हम उसमें इनर्ट गैस यानी कि इनएक्टिव गैस को फिल करते हैं वेन करंट फ्लोज थ्रू द फिल्मेंट इट गेट्स हीटेड अप एंड बिकम्स हॉट एंड बिगिन टू एमिट लाइक तो ये जो फिलाेंट होता है लैम्प के अंदर बर्फ के अंदर जब ये इसमें से करंट पास होता है तो ये गर्म होता है इट गेट्स हीटेड अप एंड देन इट बिगिंस टू एमिट लाइट और फिर ये हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है यू कैन सी हियर यहाँ आप देख सकते हो कि अंदर जो फिलामेंट है वो गर्म होकर एकदम तो रेडिश हो जाता है और उसमें से हीट और लाइट दोनों ही जो वो प्रोड्यूस होते है नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका वो है सी एफ एल यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प इट वॉज इन्वेंटेड बाई पीटर कॉपर हैविथ पीटर कॉपर हैविथ इन्होंने इसको इन्वेंट किया था इन लेट एटीन नाइन्टीज़ में दिज आर डिजाइन टू रिप्लेस द बल्ब एंड कैन फिट इन द एग्जिस्टिंग लाइट फिक्सर्स फॉर्मली यूज फॉर बल्ब तो ये ऐसे लैम्प्स uh, हैं जिसको हम हमारे जो पहले वाले फिलाेंट बल्ब जो थे उनके जो सॉकेट्स होते हैं निक्चर्स होते हैं उसके अंदर ही इनको हम फिट कर सकते हैं दीज लैम्प्स यूज लेस पावर ये लैम्प जो है वो कम पावर को यूज़ करते हैं एंड हैव लॉन्गर रेटेड लाइफ और इनकी लाइफ जो है वो लंबी होती है एंड दे गिव सेम अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट और सेम अमाउंट ऑफ जो लाइट है चाहे वो फिलाेंट बल्ब हो या फिर क्लोरोसन लैम्प हो सेम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमें मिलती है दे आर एक्सपेंसिव बट देयर रनिंग कॉस्ट इज मच लेस ये थोड़े महंगे होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं बट ज़्यादा दिन तक वो ईजीली चल जाते हैं दिज लैम्प ऑफ मर्क्यूरी पेपर अब इनके अंदर क्या होता है जैसे फिल्मेंट लैंप में फिलाेंट होते हैं तो इनके अंदर होता है मर्क्यूरी पेपर एक ग्लास के ट्यूब में जो हम ट्यूब ट्यूबलाइट घर में यूज़ करते हैं या फिर दूसरे जो दूसरे शेप में जो सी आते हैं उनके अंदर मर्क्यूरी वेपर्स होते हैं और ये मर्क्यूरी वेपर्स अ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एमिट करती हैं जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे पास होता है तो ये मर्क्यूरी वेपर्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं दिस रेडिएशन कॉजेज द पाउडर इन द ट्यूब ग्लो और उनके अंदर जो पाउडर होता है वो जो है इस ट्यूब को ग्लो करता है यानी कि वहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होती है जो हम बाहर देख सकते हैं विजिबल लाइट बिफोर बाइंग सी एफ एल्स वी शुड लुक फॉर द आई एस आई मार्क आई एस आई मार्क जो होता है उसको हमें देखना चाहिए क्योंकि uh, ये जो है आई एस आर आई एस आई मार्क ही दिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो इस आई एस आई मार्क को देती है कंपनीज को एंड द आई एस आई मार्क एन्श्योर्स द सी एफ एल्स आर सेफ एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम तो पूरी तरह से चेक करने के बाद इनको परमिशन दी जाती है और दे आर परमिटेड फॉर यूज़ तो आई मार्क देख के ही आपको सी एफ एल जो है बल्ब वो परचेज़ करने चाहिए सो हेयर दीज आर डिफरेंट सी एफ एल अलग अलग तरह के शेप के और साइज़ के ये मिलते हैं देन वॉट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अब फ्यूज़ आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा घर में भी और बाहर भी है ना तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी कि फ्यूज़ क्या होता है इफ optimum करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इट वर्क इफेक्टिवली अगर घर में आपने देखा अगर कई बार आपके पेरेंट्स बात करते होंगे कि आज फ्लक्चुएशन ज़्यादा था या फिर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा थी तो फ्रिज खराब हो गया या फिर टी वी खराब हो गया फिर ये खराब हो गया तो ये होता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तब तो अगर ऑप्टिमम करंट यानी कि जितना ज़रूरी है एक अप्लायंस यूज़ करने के लिए अगर उतना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो सारे जो इलेक्ट्रिक अपलायसेज होते हैं वो इफेक्टिवली वर्क करते हैं दे रन फॉर लॉन्ग टाइम सो टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल अपलायंसेज फ्रॉम गेटिंग डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव पैसेज ऑफ करंट थ्रू दैम वी यूज अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड फ्यूज तो फ्यूज क्या है एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज करते हैं और ये जो है वो एक्सेस करंट को रोक देता है अ फ्यूज इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने अभी पढ़ा है उस पर ही ये वर्क करता है अब ये कैसे वर्क करता है सी एन एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ ऑफ अ अ वायर वायर होती है उसमें मेड अप हैज लो मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एंड इज यूजली प्लेस्ड इन साइड ग्लास सिलेंडर सिलेंड्रिकल ट्यूब और अ सीरामिक कंटेनर आगे मैं आपको इसके पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ तो ये जो है फ्यूज एक थीन वायर होता है एलॉय का बना हुआ जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका और उसको ग्लास के एक सिलेंड्रिकल छोटे से ट्यूब में या फिर सिरामिक के कंटेनर्स में इनको प्लेस किया जाता है इट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट ओनली अ सर्टन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू इट तो उस फ्यूज के फ्यूज में से एक फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है मैक्सिमम जिसको हम बोल सकते हैं वो फ्लो होता है अगर ज़्यादा या फिर एक्सिस करंट जब सडनली इसमें से पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट की वजह से जो है फ्यूज़ के अंदर जो वायर होती है वो ब्रेक हो जाती है और मेल्ट हो जाती है और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है दस द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स एंड डैमेज ऑफ अप्लायंस इज़ एवॉइडेड और इस तरह से जो अप्लायंस होता है उसको हम खराब होने से बचा लेते हैं अगर उसके अंदर फ्यूज़ लगाए तो फ्यूज़ जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को रोकता है या फिर उसको जब वो उसमें से पास होता है फ्यूज में से तो उसके अंदर जो मेटल की वायर होती है या फिर जिसको हम मिलते हैं कि एलॉय है या जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो वो मेल्ट हो जाती है वायर और इस तरह से सर्किट ब्रेक हो जाता है फ्यूजेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड यूज फॉर डिफरेंट परपजेस जनरली जो कार्ट्रेज फ्यूज जो होता है इट इज़ यूज फॉर कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज जो डिफरेंट अप्लायसेज हम यूज़ करते हैं उनमें कार्ट्रेज फ्यूज यूज़ करते हैं और सिरामिक फ्यूज़ जो होते हैं दे आर यूज इन बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर बहुत सारे फ्यूज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है सिरामिक का बना हुआ फ्यूज़ यूज़ करते हैं तो ये है कार्ट्रेज फ्यूज़ जो कि अलग अलग अप्लायसेज में होता है दिस इज़ रिवायरेबल फ्यूज़ जो कि बिल्डिंग्स में हम देखते हैं यूज़ किया जाता है इस तरह से आपने देखा होगा अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो या फिर बिल्डिंग में रहते हो या फिर सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ इस तरह के फ्यूज जो होते हैं देन आर ड्रॉप आउट फ्यूज मो फ्यूज दीज आर रिसेटेबल फ्यूज देन ऑटोमेटिव फ्यूज एंड एक्सपल्शन फ्यूज तो ये अलग अलग जो फ्यूजेस हैं वो अलग अलग जगह पर काम काम में लिए जाते हैं नो देर आर समिसवानस ऑफ द हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अब क्या होता है अगर हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसके डिसएडवांटेजेस क्या होता है नाउ फर्स्ट वन इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी वेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी ये हमने अभी पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी एंड दिस इज द वेस्ट ऑफ एनर्जी ये एक वेस्ट एक तरह का वेस्ट ऑफ एनर्जी है अल्सो इफ वी आर नॉट केयरफुल द हीट प्रोड्यूस कैन डैमेज द इंसुलेशन ऑफ वायर्स डैमेज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और कॉज फायर्स और अगर ये हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो इंसुलेशन जो होता है वायर्स का ऊपर का वो ख़राब हो जाता है या फिर इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या फिर आग भी लग सकती है सो डिवाइस लाइक टी म्यूजिक सिस्टम्स एंड कंप्यूटर्स हैव इवेंट टू अलाउ एयर टू कूल दैम कंप्यूटर्स इवन हैव फैंस फॉर दिस परपज़ तो आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस हैं उनमें आप देख सकते हो कि वेंट्स होते हैं यानी कि होल्स होंगे या फिर कहीं पे आप इस तरह का एक नेट नेट देखोगे जिसमें से एयर पास हो सकती है तो आप कंप्यूटर को ऑब्जर्व करो या फिर आपके पास अगर माइक्रोवेव है या फिर टीवी है जो भी आपके पास अप्लाइंसेज है सिंपल मिक्सर ग्राइंडर को ही देख लो आप तो ये जो अप्लाइंसिस है उनमें एक दो जगह ऐसी होती हैं जहाँ से एयर पास हो सकती है ओके एंड दिस इज़ टू इसका जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए ये एयर अंदर जाने के लिए स्पेस वहाँ पर होता है द नेक्स्ट इज ओवर हीटिंग टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग थिक वायर्स आर यूज टू कैरी लार्ज करंट्स ओवर हीटिंग जो होती है उसको हम कम करते हैं थिक वायर्स यूज़ करके क्योंकि लार्ज करंट जो हमारी मेंस जो आती है घर में मेंस मतलब जो घरों में जो सप्लाई में सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जो वायर्स आती है है ना तो वो होती है थिक वायर्स क्योंकि उसमें से लार्ज करंट जो है वो प्रोड्यूस फ्लो होता है दैट इज वाई द वायर्स ऑफ फ्रिज दैन हीटर्स और आयरन आर थिकर दैन दैट ऑफ द टेबल लैम्प अगर आप टेबल लैम्प देखोगे तो टेबल लैम्प की वायर जो होती है वो बारीक होती है यानी कि थीन होती हैं और फ्रिज हीटर और आयरन ये जो अप्लाइंसेस है उनकी वायर थिक होती है थिक वायर्स और लो रेजिस्टेंस थिक वायर में रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए ये जो है हीट को कम प्रोड्यूस करते हैं ओके सो दिस आर द टू डिसवान्टेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड ओवर हीटिंग दैन नेक्स्ट इज ओवरलोड ये भी एक डिसएडवांटेज है इन बिल्डिंग्स द वायर्स मेंट फॉर लाइट्स एंड फैंस कैन कैरी सर्टन अमाउंट ऑफ करंट सेफली विदाउट ओवरलोडिंग और ओवर है ना तो ओवर हीटिंग uh, जिसको हम कहते हैं ये कब होता है जब हम किसी भी सॉकेट से या फिर एक ही सॉकेट में बहुत सारे जब हम अप्लाइंसिस uh, की वायर्स उसमें कनेक्ट कर देते हैं तो इफ़ यू कनेक्ट नंबर ऑफ लाइक डिवाइसिसम्प हीटर्स टू अ सॉकेट मेन फॉर लैम्प द करंट थ्रू द वायर कनेक्टेड टू द सॉकेट विल बी वेरी लार्ज तो अब होता क्या है अगर हम ऐसे सॉकेट में जो कि लैम्प्स के लिए बना होता है उसमें अगर हम हीटर का पिन लगा देंगे तो क्या होगा कि वहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो वायर के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है एंड इट विल बी द सम ऑफ द करंट् ड्रॉन बाय द डिवाइसेस एंड कैन बी ग्रेटर देन वॉट इज सेफ सो दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरलोड तो ओवरलोड की आप पिक्चर देख लो पहले हियर यू कैन सी एक ही सॉकेट में बहुत सारे जो पिन हमने लगा के रखे हैं है ना तो इसकी वजह से क्या होता है ओवरलोड होता है सॉकेट में और जो करंट वहाँ पे फ्लो होता है वो बहुत सारे अप्लाइंसिस uh, या फिर यूज कर रहे हैं इसलिए वहाँ पर ओवर लोड हो जाता है उस सॉकेट के ऊपर सो दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरलोड ऑन द वायर्स Overload causes excessive एक्सेसिव हीटिंग एंड कैन डैमेज द इंसुलेशन ऑफ वायर्स एंड स्टार्ट फायरस तो इस तरह से जो ओवर uh, होती है या फिर overload हम जिसको कहते हैं वो इंसुलेशन को डैमेज करती है और वायर जो है वो आग को यानी कि फायर को कैच कर लेती है देन दिस लास्ट जो डिसएडवान्टेज है वह है शॉर्ट सर्किट अ शॉर्ट सर्किट इज अ डायरेक्ट लो रेजिस्टेंस कनेक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स अक्रॉस विच देयर इज अ वोल्टेज अब ये जो है शॉर्ट सर्किट ये किसी भी दो पॉइंट सर्किट के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स के अंदर जब कनेक्शन हो जाता है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट होता है अब ये क्यों होता है वेन टू वायर्स हुज इंसुलेशन हैन टच एंड कॉज अ शॉर्ट सर्किट अ शॉर्ट सर्किट इन वायर्स कनेक्टेड टू द मेन्स कैन भी डेंजरस and the high voltage of the mains produces the greater current than that produced by shorting cell. So the heat produced is greater and can start a fire. तो जब ऐसी जो वायर्स होती है घर में जिनका इंसुलेशन निकल जाता है तो ऐसी वायर्स या फिर ऐसे अप्लाइंसिस हम यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे से वायर्स जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं ना तो ये इसलिए भी होता है कि जो हमारे घर में मेन यानी कि जो वायर्स होती है वायर का जो कनेक्शन होता है उसमें दो तरह की वायर होती है एक तो मेन होती है और दूसरी जो होती है न्यूट्रल है ना तो जो दोनों जो वायर्स होती है वो जब कनेक्ट हो जाती है उनका इंसुलेशन ख़राब होने की वजह से तो शॉर्ट सर्किट होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट एकदम से फ्लो होता है और वहाँ पर आग यानी कि फायर जो है वो स्टार्ट हो जाती है शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड आर द काजेज ऑफ फायर्स इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज Uh, अलग अलग जगह पे जो हम फायर के एक्सीडेंट्स देखते हैं तो उनमें बहुत बार ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड जो है ये उसका रीज़न होते हैं देन नेक्स्ट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको हम कहते हैं एम सो दीज आर द वंडरफुल इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज एंड दे आर बींग यूज मोस्टली दिस डेस्ट इन प्लेस ऑफ ऑफ़िस फ्यूज़ की जगह पर हम एम यूज़ करते हैं ये काम कैसे करता है वेन करंट इन सर्किट क्रॉसेज द सेफ लिमिट दिस अप्लायंस ऑटोमेटिकली गेट स्विच ऑफ जब सर्किट uh, में सेफ लिमिट से, से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है वेन स्विच टर्न ऑफ द सर्किट इज़ वंस अगेन कम्प्लीट और जब हम इस स्विच को वापस टर्न ऑन करते हैं तो सर्किट कम्प्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो होती है सो टू बाई सच अप्लायंस वन मस्ट सी द आई एस आई मार्क तो इस तरह के जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं घर में तो उसके लिए हमें उसको ख़रीदने से पहले आई एस आई मार्क जो है वो जरूर देखना चाहिए तो ये एक एम सी वी के जो एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग साइज के जो हम हम यूज़ करते हैं आजकल घरों में भी इनको आप देख सकते हो सो दीज आर द एम सी यहाँ पर ये यह जो आप बटन्स देख रहे हो जब सर्किट में करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाते हैं मतलब नीचे की तरफ ड्रिप हो जाते हैं फिर इनको जब हम ऑन करते हैं वापस से तो ये अपना काम वापस शुरू कर देते हैं तो इस तरह से ये एम सी वर्क करते आपके घर में भी ये ज़रूर होगा सर्च करना